हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए वीडियो में। गाइज, मैं आ चुका हूं आप लोगों के साथ रेलवे की बहुत सारी अपडेट लेके। गाइज, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि रेलवे ने कितने कोचेस को ऑफर किया है आइसोलेशन वार्ड में बदलने के लिए, और मैं आपको इसमें बताऊंगा इस वीडियो में कि रेलवे ने अपने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में क्या फैसला लिया है। गाइज, आगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पैसेंजर ट्रेन को कैसे एक्सप्रेस ट्रेन में बदला जाएगा, और गाइज रेलवे के सिस्टम को कैसे हैक करने की कोशिश की गई। इसके समेत बहुत सारी बातें होंगी इस वीडियो में। उससे पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, इससे सारी नोटिफिकेशन अब तक पहुंच सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको आईडी दिख रहा होगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके मुझे फॉलो कर लें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, और हाँ गाइस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए गाइस शुरू करते हैं, पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। गाइस, पहली अपडेट मैं आपको बता दूं कि रेलवे ने 5000 मतलब 5000 नॉन एसी कोचेस को कोविड आइसोलेशन वार्ड में बदलने का ऑफ़र किया है। ऐसे ऑफ़र मतलब रेलवे को किसी ने बोला नहीं है कि हमें इतने कोचेस चाहिए। रेलवे अपने मतलब पहले से प्रिवेंशन कर रही है कि अगर ज़रूरत पड़ती है किसी को तो वहाँ पे ये अवेलेबल करा दी जाएगी, अगर कहीं पे भी ऑल ओवर द इंडिया अगर बेड्स की कमी होती है तो। अगली अपडेट गाइज मैं आपको बता दूं कि रेलवे ने अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में क्या सोचा है। रेलवे ने अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में जो भी यूजेस हुआ करते थे उनके इक्विपमेंट्स रेलवे के हुआ करते थे, जैसे टेलीकॉम सर्विस, मैंने आपको बताया था कि 470 करोड़ के चाइनीज़ प्रोडक्ट को रेलवे ने कॉन्ट्रैक्ट जो था वो कैंसिल कर दिया है। ऐसे रेलवे ने कहा है कि अब से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट यूज़ की जाएंगी ऑल ओवर द पूरे ऑल इंडिया रेलवे में, इंडियन रेलवे में सारे इंडियन प्रोडक्ट यूज़ की जाएगी मेड इन इंडिया, ना ही वो चाइना से होगी या फिर किसी और कंट्री से मंगाई जाएगी। बहुत बड़ी अपडेट है गाइज, रेलवे बोर्ड ने ऐसा कहा है, बहुत ही बड़ी अपडेट है और बहुत अच्छी बात है ये। गाइज, अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है कि परसों शाम को रेलवे के सिस्टम में जो इंटेल एजेंसी है, इंटेल एजेंसी आपने इंटेल का नाम सुना होगा, इंटेल एजेंसी से ज्वाइंट है रेलवे, तो उसके टेलीकॉम सर्विस के जो कंप्यूटर्स थे उनको हैक करने की कोशिश की मालवेयर द्वारा, मालवेयर जो एंटीवायरस होता है उसके द्वारा हैक करने की कोशिश की गई थी। तो ये अलर्ट इंटेल एजेंसी ने दी इंडियन रेलवे को, और समय रहते ही इंडियन रेलवे ने जो अंदर वायरस आ रहा था उनके कंप्यूटर या फिर टेलीकॉम सर्विस में, जो टेक्नीशियन जो होते हैं BSNL से जिनका ज्वाइंट है, जो चाइना से ये चाइना के प्रोडक्ट यूज़ किया करते थे पहले हम, लेकिन अभी कॉन्टैक्ट उनसे छोड़ दिया है और सारे चाइना के प्रोडक्ट हमने हटा दिए हैं। तो गाइस चाइना की तरफ से ये हैक करने की, हमारे सिस्टम को हैक करने की कोशिश की गई थी, समय रहते ही इंटेल एजेंसी ने इंडियन रेलवे को बता दिया ये, तो इंडियन रेलवे ने समय रहते ही इस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब जो वायरस घुसने की कोशिश कर रहा था उनके सिस्टम में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, देखो चाइना गाइस क्या कर रहा है। अगर हम उनके प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर उनका कैंसिल कर रहे हैं कुछ, अगर उनको पैसे हम नहीं दे रहे हैं तो देखो फिर वो कैसे कर रहा है हमारे साथ, कि हमारे कंप्यूटर, हमारे टेलीकॉम सर्विस के अंदर, हमारे इंडियन रेलवे के सिस्टम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। गाइस अगली अपडेट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है कि गाइस साउथ वेस्टर्न रेलवे का नाम आपने सुना होगा। साउथ वेस्टर्न रेलवे ने डिसाइड किया है कि 38 पैसेंजर ट्रेन्स, जो जैसे आपने देखा होगा कि पैसेंजर ट्रेन्स होती है अनरिजर्व, उसमें कोचेस लगाए जाते हैं, तो 38 पैसेंजर्स ट्रेन जो थोड़ी लंबी रूट की थी उन ट्रेनों को उन पैसेंजर से एक्सप्रेस में कन्वर्ट करने का फैसला किया। अब ये ट्रेनें एज अ एक्सप्रेस ट्रेन चलेंगी। पैसेंजर ट्रेन पहले हुआ करती थी लेकिन अब एज अ एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी, जिसमें कर्नाटक, हुबली वगैरह बड़े बड़े जो शहर हैं इनके भी नाम शामिल है, जहाँ जहाँ पैसेंजर ट्रेन डेस्टिनेट पॉइंट यहाँ जाती थी, कर्नाटक हो या फिर हुबली हो, ऐसे बहुत सारे जगह थे साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंडर में जहाँ पे पैसेंजर ट्रेन चलाई जाती थी, लेकिन 38 पैसेंजर ट्रेन को एक्सप्रेस ट्रेन बनाने का फैसला कर लिया गया है साउथ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से। गाइस अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। अगली अपडेट ये है कि आपने देखा होगा, आपने कभी अगर फ्लाइट में सफ़र किया होगा तो आपने देखा होगा कि एक बोर्डिंग पास बनाया जाता था, बोर्डिंग पास के थ्रू ही आप वहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर फ्लाइट में बोर्ड कर पाते थे। तो गाइस प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे ऐसा ही कुछ किया गया है, किसी ट्रेन में बोर्ड करने के लिए आपको एक बोर्डिंग पास दिया जाएगा, बोर्डिंग पास के थ्रू ही आप रेलवे स्टेशन पे या फिर ट्रेन में बोर्ड कर पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है गाइज़, अगर ये सुविधा वहाँ पे अगर सक्सेसफुल होती है तो आपको और सारे रेलवे स्टेशन पे भी ऐसी सुविधा देखने को मिल सकती है, बहुत अच्छी बात है गाइज़। फ्लाइट की तरह ऐसे तो आपको पता ही होगा कि 1.5 घंटे पहले बोल दिया गया है रेलवे स्टेशन पे आने के लिए पैसेंजर्स को जिनकी ट्रेन है,
लेकिन गाइज ट्रेन के अंदर इंटर करने से पहले उनका बोर्डिंग पास चेक किया जाएगा, तभी ट्रेन के अंदर इंटर कर सकते हैं कोई भी पैसेंजर। बड़ी अपडेट गाइज, बहुत बड़ी अपडेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट में आपको बता दूँ, जौनपुर डिवीज़न जो इस सेंट्रल रेलवे में आता है, इसका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। इस श्रमिक स्पेशल ट्रेन जितने भी चलाई जा रही हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इस कोरोना काल में। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि एक ट्रेन जिसका ट्रेन नंबर है 04006, जो कि दिल्ली से आ रही थी ये ट्रेन, और ये ट्रेन मतलब हो सकता है दिल्ली से चली ये ट्रेन, खाना दिया गया हो, बहुत सारे पैसेंजर को खाना नहीं मिला हो। तो गाइज इसी को मद्देनज़र रखते हुए सोनपुर के DRM ने इस ट्रेन को बरौनी जंक्शन पर रुकवाया लगभग एक घंटे तक, और एक घंटे के अंदर उस ट्रेन में बहुत सारे लोगों को खाना वगैरह जो जिनको नहीं उपलब्ध कराया गया था उनको उपलब्ध कराया गया। बहुत अच्छी बात है सोनपुर के DRM द्वारा, बहुत बहुत थैंक्स उनको इस चीज़ के लिए। तो गाइज़ आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ गाइज़ बाहर निकलें लेकिन मास्क और सैनिटाइज़र लेके ज़रूर निकलें। गाइज़ पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।